इस टाइम ना ट्रैक के चक्कर में ना भैया का हाथ जो है वो कट चुका है, ठीक है, खून खून हुए पड़े हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी बात ऐसी कि भाई आज संडे है और संडे का ये व्लॉग है थोड़ा लेट आएगा, बट अभी हम लोग निकल रहे राइड पे। हैरी वी आर, 10 बजे का टाइम दिया था और 10 बज चुके हैं और मैं अभी घर पे हूँ, मुझे खाना भी खाना है, ठीक है। बाकी एसिड बहुत गंदी हो रखी है इस टाइम, बट दिव्यांश बोल रहा है कि हम मैंने भी वॉश करवानी तो आके वॉश करवाएंगे, बिकॉज रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है और फिर से वॉश करवानी पड़ जाएगी, तो इसलिए कि बेटर है कि शाम को आके हम वॉश करवा के प्रॉपर क्लीन करके रख देंगे बाइक्स को। पहले मुझे जाना पड़ेगा दिव्यांश के पास, बिकॉज उसका फ्रंट शॉकर लीक हो रहा है, बाइक का शॉकर सील टूट रखी है, तो वो क्लीन वगैरह करना और उसके बाद निकलेंगे। बाकी सेटअप तो मैंने रेडी कर लिया है इस टाइम, चेन ल्यूब मैंने निकाल लिया है, बिकॉज मैंने बाइक को चेन ल्यूब करने पड़ेगी। मैं वैसे भी 500 to 1000 किलोमीटर्स के अराउंड कर लेता हूँ। और बाकी मैंने फ़िलहाल ये जैकेट डाली है, मेरी जैकेट दिव्यांश के पास है, सो मैं वहाँ जाके अपनी राइडिंग जैकेट डालूंगा। नी गार्ड्स मैंने बैग में डाल लिए हैं, ग्लव्स मेरे पड़े हैं, ठीक है, वो सब कुछ सेटअप मैं अपना मतलब प्रॉपर गियर्स मैं वहाँ जाके पहन लूँगा, और हेलमेट तो चलो है ही, और बाकी हेलमेट के साथ मैं यूज़ करता हूँ बैलाक्लावा। भाई यूज़फुल थिंग है हेलमेट, ने बैक्टीरिया नहीं आता, बिकॉज़ बहुत सी धूल मिट्टी वगैरह और अपना पसीना स्वेटिंग होती है, तो हेलमेट के अंदर जब स्वेटिंग लगती है तो बैक्टीरिया क्रिएट हो जाता है, सो दैट्स वाई बैलाक्लावा इज़ यूज़फुल। सो अभी मैं दिखाता हूँ, मैंने सेटअप कैमरा कर दिया है, बाकी सामान जो मैं लेके जाऊँगा अपने साथ। सो ये कैमरा, ठीक है, हेलमेट रहा, बैलाक्लावा पड़ा है, बाकी ये मैं चेन ल्यूब यूज़ कर रहा हूँ वे सब की, और बैग के अंदर मेरे नी गार्ड वगैरह मैंने डाल लिए हैं, ग्लव्स यहाँ पड़े हैं। सो बिल्कुल भी देर ना करता हूँ मैं, निकलूँगा खाना खा के, ठीक है। बाकी बैटरी बैंक चार्ज है मेरे, क्योंकि आज बहुत सा कंटेंट शूट करना है। चलो मिलते हैं एस्टेट के पास। गुड मॉर्निंग। तो देखो अभी हम सीधा शॉप पे पहुँच चुके हैं और अब भैया तो चले गए, ठीक है, बट मैं पीछे पीछे फिलहाल तो हम अभी ट्रैक ढूंढने जा रहे हैं अपना, ठीक है, तो निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं राइड के लिए, 11 के अराउंड बज चुके हैं। अबू को बोला है चलने को, अबू चल नहीं रहा। अबू यू विल मिस इट। हाँ, चलो देखते हैं बाकी क्या बनता है क्या नहीं बनता है, ठीक है, हमें ट्रैक मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। यहाँ देखो यार, यहाँ तो नेक्स्ट लेवल ही पहुंच चुके हैं सही। ओहो भाई दिख नहीं रहे, भाई दिख ही नहीं रहे हैं भाई। मैं तो भाई चलो सुपर पे हूँ, पर फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ भैया के साथ कवर करने की, बट लेकिन भैया फिर भी दिख रहे हैं, भैया फिर भी दिख रहे हैं।
से लिटरली भाई वो बाइक नेक्स्ट लेवल है। हिमालयन का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट कभी हिमालयन राइड की नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर अपने में कोई आएगी तो मैं उस तरीके से दूंगा। अगर आपको लेनी है ऑफ रोडिंग के लिए तो ले, आपको देखते हैं इस टाइम। और वाह यार व्यू देखो आप, ये इस टाइम ये है जिसको आप बोल सकते हो जिनमें तो पहाड़ों का नज़ारा अभी तो आ नहीं रहा, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा कॉन्शियसली चल लेना चाहिए क्योंकि मेरे को लग रहा ट्रैक इस टाइम अपने को मिलेगा, क्योंकि भाई अपने को चाहिए थोड़ा ऑफ रोडिंग जंपिंग की। तो भाई अभी बात ऐसी है कि ये देखो यार तुम नज़ारा देखो भाई, इस साइड ना धौलाधार का व्यू आता है, ठीक है। अभी पहाड़ थोड़े छुप रखे हैं, पता नहीं मुझे विजिबल होंगे कि नहीं होंगे, बट यहाँ से आता है धौलाधार का व्यू। और भाई ये है आपका डैम का व्यू नीचे, और भाई क्या सुंदर नज़ारा होता है यार यहाँ पे ना, खासकर जब जब बाथरू बाहर होती है। अभी पानी के अंदर है, मेरे को तो दिख भी नहीं रही यार कहाँ गई, अरे ये तो गायब हो गई। बाकी यार वे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल सकते हैं, मतलब बर्ड सेंचुरी है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बर्ड्स आते हैं, ठीक है। साइबेरियन नाइजीरियन बर्ड्स वगैरह भी आते हैं, नाइजीरियन साइबेरियन जो होते हैं वो मतलब बताऊंगा वो भी अगर यहाँ पे इस टाइम देखो वो ही उड़ रहे हैं, ठीक है। और भाई देखो नज़ारा, खुला ग्राउंड है, खुला ग्राउंड, जितना भागना है जितना जो मर्जी करना कर सकते हो, बट कुछ जगह में डीप खड्डे भी हैं यहाँ पे, तो मैं तो प्रेफर ना ही करूँगा अगर आप ऐसे फालतू में गाड़ियाँ भगा रहे हो यहाँ पे, अगर आपको आइडिया नहीं है। सो बाकी वो ये है पोंग डैम, जो कि लोकेटेड सिचुएटेड बोल सकते हो आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ठीक है। इसको सबसे जो भरती है रिवर वो है ब्यास, यहाँ ये ब्यास रिवर बोल सकते हो, और सेकंड उसकी ट्रिब्यूटरी आती है देरखट, जो कि उसको मतलब जो सबसे ज़्यादा पानी देती है। सो उसके बाद काफ़ी और भी रिवर्स हैं, ठीक है, जो मतलब कंबाइन होती है, ट्रिब्यूटरीज कंबाइन होती हैं और पोंग डैम को भरती हैं। वो मैसेज आ रहे हैं यार किसी के, आई डोंट नो, किसी के तो आ रहे हैं। इस टाइम ना ट्रैक के चक्कर में ना भैया का हाथ जो है वो कट चुका है, ठीक है, खून खून हुए पड़े हैं, ठीक है। और टेप भी कौन सी लगाई, देखो जो हेलमेट के साथ नहीं आती कि हेलमेट ओपन मत करना अनलेस यू आर डॉक्टर, ये वाली इसके जो नीचे होते हैं यहाँ पे वो वाली टेप लगाई है। और ट्रैक के चक्कर में देखो इस टाइम बहुत बुरा हाल हो चुका है, गाड़ी खून मांग रही है, गाड़ी गाड़ी ट्रैक भी खून मांग रहा है भाई, ट्रैक भी खून मांग रहा है, ठीक है। बाकी देखो ये हम यहाँ से क्लिफ वगैरह बनाने की ट्राई कर रहे हैं, और पता नहीं कैसे लगी, कि लगी कैसे भैया? कुछ नहीं, वो कांच का टुकड़ा था उससे मैं खोद रहा था। अच्छा कांच के टुकड़े से लगी, तो भाई मैं तो ये बोलूँगा अगर कहीं जा रहे हो तो भाई मेडिकेट साथ में लेके चलो, इसके अंदर होगी मेडिकेट भैया, वो तो हम भूल ही गए थे, नई गाड़ी है मैंने तो निकाल ली थी, ठीक है, उसके अंदर मेडिकेट भी होगी। भाई नज़ारा देखो यार इस टाइम ना, यहाँ पे फैमिली भी आ रखी है पिकनिक के लिए, ठीक है, तो पिकनिक वगैरह मनाने के लिए अच्छी जगह है, बस पानी में मत उतरना क्योंकि पानी जो है वो दलदल है, नीचे जो फंस गया वो फंस गया, निकल नहीं पाता। और अभी देखते हैं मेडिकेट, और सीट खोली और देखो ड्राइंग बुक भी है भाई, ये क्या चीज़ है ड्राइंग बुक, ओह स्टफ लग गया इसमें, और यहाँ पे मेडिकेट निकालते हैं अभी इशू यू ट्रैक, ठीक है। तो बात अभी ऐसी कि यहाँ पे हमने थोड़े छोटे छोटे पत्थर लगा दिए, अभी वहाँ पे अभी अपना भी कंटेंट शूट कर रहे साथ में, सो इसको शायद हम यूज़ करें क्लिफ बनाने को, यहाँ से डायरेक्ट जंप और ये क्लिफ और सीधा ही, और ये तो देखो ऐसे यहाँ जो आपने टायर देख रहे हो इस टाइम, ये टायरों का यही है कि मतलब ऐसे जाएगी वैसे तो बाइक मोस्ट प्रोबेबली, बट हम इसको थोड़ा और कॉम्पैक्ट, और मतलब कॉम्पैक्ट तो नहीं बोल सकते पर और थोड़ा सा टफ़ करने की ट्राई भी करेंगे बीच में, ठीक है, बिकॉज हाइट वगैरह तो ठीक है, वहाँ पे जो कर्व है वो भी अच्छा खासा ही है, ठीक है। और नीचे भाई पानी पानी
आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी भाई, क्या राइमिंग हुई है यार फील के साथ। सो अभी मैं भी शायद नहीं, मैं नहीं उतरूंगा अभी ट्रैक पे यार, भाई बहुत ऊंची है मेरे, मतलब जस्ट टॉस टच हुए आज, ठीक है कल तो वो भी नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्या आज मतलब शायद ही थोड़ा ऊपर नीचे तो करके टॉस टच हुए। बाकी सामान सारे स्टम बाइक पर फेंका हुआ मैंने, ठीक है मैं प्रॉपर पैक हो गया था, मैं शायद कहीं और भी जाएँ, बट अभी एक यहाँ पे हमें काम पड़ गया है ट्रैक का, सो अभी ट्रैक बनाना ही पड़ेगा क्योंकि भाई ऑफ रोडिंग भी चल मतलब बहुत एक जिसको बोल सकते हैं अच्छी चीज़ होती है, ठीक है मज़े आते हैं ऑफ रोडिंग में भी, बट यार मैं थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के लिए थोड़ी सी वो करता हूँ क्योंकि यार मुझे थोड़ा लगने लुगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो मैं ऑफ रोडिंग में ज़्यादा नहीं जाता हूँ, बट हाँ भैया प्रॉपर ऑफ रोडिंग करते हैं ठीक है। और दैट्स आई हम बस ये देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कर्व बनाइए और भाई टफ बहुत टफ कर्व है ये, ठीक है अप्रोक्सीमेटली एंगल इसका कितना होगा कर्व का, अगर ग्राउंड लेवल से देखा जाए ठीक है, सो ये आपका आ जाती है कर्व अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री, 60 to 70 डिग्री के अराउंड तो होगी ये, और बस यहाँ से ऐसे कर्व होगा, यहाँ से आएंगे भी ऐसे और ये सारा है। बाकी देखते हैं आगे, शायद अभी बुलजीत भी अभी आए थोड़ी देर में, सो जो भी होगा देखा जाएगा। तो अब इस ब्लॉक को ज़्यादा लंबा ना करते हूँ, मैं उसको यहीं एंड करता हूँ, बिकॉज इसका और भी एक पार्ट मुझे बनाना पड़ जाएगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है, मतलब कंटेंट बोल सकते हो कि वीडियो बहुत ज़्यादा वास्ट है, जो मैंने थोड़ी ऑफ रोडिंग तो नहीं की है, मतलब ट्रैक रेडी करके हमने थोड़ा ऑफ करने की ट्राई की है, अब चलो देखते हैं जैसा भी बन पाता है तो। हाँ और एडवाइस ये है कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो मेरे से कॉन्टेक्ट अगर करते हो तो उस टाइम मैच अगर पॉसिबल हुआ तो मैं भी आपको गाइड करने आ जाऊँगा, अगर नहीं हो आप आया तो मैं आपको वैसे गाइड कर दूँगा कि खाने वगैरह के लिए आप कहाँ से मतलब पीछे से ले लूँगा, और अभी हरी भैया आ रहे हैं वापस तो अभी देखते हैं क्या बन पाता है, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय टेक केयर, एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि, और मेरे प्रोज एंड कॉन्स बता दें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।